हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग भारत की के भूगोल के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानने वाले हैं तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अगर हम बात करें भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की तो हम कह सकते हैं कि भारत या अन्य किसी देश की स्थिति को जानने के लिए दो रेखाओं का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कहते हैं इन्हीं दो रेखाओं का सहारा लिया जाता है किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए पृथ्वी के मानचित्र पर क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत का अच्छासीय विस्तार छः डिग्री चार मिनट से सैंतीस डिग्री छः मिनट के बीच स्थित है वहीं देशांतरीय विस्तार अड़सठ डिग्री सात मिनट से सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट के बीच स्थित है अर्थात यदि हम अक्षांश रेखाओं के सहारे भारत को देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में छः डिग्री चार मिनट से सैंतीस डिग्री छः तो मिनट के बीच स्थित होगा यदि हम देशांतर रेखाओं के सहारे भारत को देखेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में अड़सठ डिग्री सात मिनट से सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट के बीच स्थित होगा और हम बताना चाहते हैं कि भारत का पुराना नाम आर्यावर्त भारतवर्ष जम्बूद्वीप इंडिया है और भारत का क्षेत्रफल बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूस पहले देश पहले नंबर पे रूस है दूसरे पे कनाडा फिर चीन अमेरिका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया उसके बाद सातवें नंबर पे भारत आता है तो आइए हम बढ़ते हैं जो हमारी दिख रही है कॉपी की महत्वपूर्ण लाइन्स उनकी तरफ तो हम इनमें कह सकते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल सैंतीस डिग्री छः मिनट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट छः डिग्री चार मिनट मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन है रामेश्वरम से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु केविथु है सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट से जो कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोता है सरक्रिक भी मिलता है नाम इसका अड़सठ डिग्री सात मिनट गुजरात और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर और तटीय सीमा की लंबाई इकसठ सौ किलोमीटर द्वीपों सहित यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप मिलाकर भारत की कुल तटीय सीमा पचहत्तर सोलह दशमलव छः किलोमीटर है अतः भारत की कुल सीमा पंद्रह दो सौ प्लस पचहत्तर सोलह दशमलव छः बराबर बाईस सात सोलह दशमलव छः किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा समुद्र तट से बारह समुद्री मील तक है और एक समुद्री मील बराबर होता है एक दशमलव आठ किलोमीटर तो बारह समुद्री मील बराबर हो जाएगा बारह गुड़े एक दशमलव आठ किलोमीटर तो हो जाएगा इक्कीस दशमलव छः किलोमीटर ठीक है नेक्स्ट हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश एवं सीमा से सटे हुए राज्य तो इसमें बताने वाली तो कोई बात नहीं है आप लोग वैसे भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको तो आइए हम वन लाइनर पर चलते हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार पढ़ लीजिएगा तो देखते हैं हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा जो कि जीरो रेखा कही जाती है त्रिपुरा राज्य से सटी हुई है ये और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ़ रेखा के नाम से जानी जाती है इसे आप लोग याद रखिए राज्यों इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि इनके बीच में क्या रेखा है और जैसा कि आप लोग विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि इनके बीच कौन सा पाक जल डमरू मध्य है कौन सी जल संधि है तो ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप लोग भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोह रेखा, रेखा, रेखा के नाम से जानी जाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डोरन रेखा के नाम से जानी जाती है जो पहले भारत और अफगानिस्तान की रेखा थी लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा हो गई है नेक्स्ट हम देखते हैं चौबीस डिग्री समानांतर रेखा भारत के में गुजरात के कच्छ से होकर गुजरती है और पाकिस्तान के साथ विवादित सीमा बनाती है और अगली लाइन देखते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है मध्य प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र के बाद चौथा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख वहीं सबसे छोटा शासित प्रदेश लक्षद्वीप है भारत के नौ राज्य गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल समुद्र तट से सटे हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तटीय राज्य गुजरात है आदम ब्रिज भारत के तमिलनाडु और सर, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है इसके उत्तर में मन्नार की खाड़ी और दक्षिण में पाक की खाड़ी स्थित है कभी मैं जब वर्ल्ड की ज्योग्राफी आप लोगों के सामने लाऊंगी तो उसमें मैं बता दूंगी कि कौन कहाँ स्थित है कौन सी खाड़ी कहाँ स्थित है कौन सा झरना कहाँ स्थित है ये सब का वीडियो मैं एक लाऊंगी, तो उसमें आप लोग को क्लियर कर दूंगी। भारत का पुदुचेरी सात प्रदेश तीन राज्यों में बटा हुआ है पहला पुदुचेरी एवं कराईकाल तमिलनाडु यनम आंध्र प्रदेश माहे केरल आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा मैं आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी और आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ धन्यवाद